हेलो एवरीवन, मैं हूं लकी गुप्ता और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं मेरे चैनल फैशन ट्रेंड्स पर। आज का वीडियो होगा एक हेयर कलर पे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हेयर कलर परचेस करूँ, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस करना चाहती हैं हेयर कलर, पर आप कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा हेयर कलर बेस्ट होगा, तो चलिए आज मैं एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का हेयर कलर बताऊंगी आपको, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, जो आपको एक अच्छा सा हेयर कर्लिंग, एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी देगी आपको। तो चलिए आज मैं उसका रिव्यू दूंगी। कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वेगा का हेयर कलर मैंने परचेस किया है। ये है वेगा, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये देखिए इसका कवर, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो कवर मेरे पास नहीं है इसका, बट ये है वेगा का हेयर कलर। आज इसका मैं दूंगी इस वीडियो में पूरा रिव्यू। ये देखिए आप, इस तरीके का ये मैंने परचेस किया है वेगा के हेयर कलर। अब मैं इसके डिटेल आपको बताती हूँ। पहले बताती हूँ इसका प्राइस, मैंने इसको कितने में परचेस की है। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट से 1225 रुपीज़ में पड़ा। ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, इसमें प्राइस तो लगा है, काफ़ी पैसे लगे हैं, बट ये बहुत ही अच्छा काम भी करता है। मैं आज इसका डेमो भी दिखाऊंगी। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताती हूँ। ये है वेगा का हेयर कलर, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये है कूल टिप, इसको बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कूल टिप। जब आप हेयर कर्लिंग करेंगे, ये एरिया जो है आपका, ये एरिया ये गर्म रहेगा, बट ये एरिया जो है ना वो ठंडा ही रहेगा। आप इसको पकड़ सकते हैं, बट ये एरिया को आपको टच नहीं करना है। ये है क्रोमी प्लेट, इस तरीके से आपको थंब से पुश करना है, आप देख सकते हैं इसको। ये है क्रोमिक प्लेट विथ सिरामेटिक कोटिंग, ये जो कलर दिख रहा है ना, इस पर कोटिंग की हुई है। ये एक तरह का कोटिंग है जिससे आप जब भी आप हेयर कर्लिंग करेंगे तो आपके जो बाल जो है गर्म होंगे, तो इससे आपको आपके बालों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल हीट नहीं होंगे आपके ज़्यादा बाल एंड ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, इसलिए इसमें सिरामेटिक की कोटिंग की हुई है। ये कलर एक कोटिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये एक, ये आपको दिख रहा है, ये है सेफ्टी स्टैंड। अगर आप हेयर कर्लिंग करते टाइम अगर इसे थोड़ी देर के लिए पॉज लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही इसे टेबल पे या बेड पे या किसी कपड़े पे ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कपड़े या बेड होंगे वो जल सकते हैं। तो इसके लिए ये सेफ्टी स्टैंड दिया हुआ है। आप इस तरीके से सेफ्टी स्टैंड को खोलेंगे एंड उसके बाद इस तरीके से ऐसे रख देंगे, तो इससे आपके जो भी जहाँ भी ये आपका रखा हुआ है वो जलेगा नहीं, वो नीचे का पार्ट। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, साथ ही इसमें दिया है इंडिकेटर, ऑन ऑफ इंडिकेटर। अगर आप इस थोड़ी देर के लिए कंघी करना कर रहे हैं बालों में स्टाइलिंग के लिए और आपको इसको रखना है, तो आप इसे ऑफ या ऑन करके रख सकते हैं, और यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। ये देखिए रेड कलर का बटन है, इसमें लाइट भी जलता है, ये ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से ऑन ऑफ होता है। अब है इसकी लेंथ की बात करूँ, इसकी लेंथ की, तो ये 125 मिलीमीटर का इसका लेंथ है एंड इसका सर्कमफेरेंस जो है वो 90 मिलीमीटर का है। अगर आप परचेस करते हैं ऑनलाइन तो आपको बहुत अलग अलग शेप में सर्कमफेरेंस, या मोटा या पतला या मीडियम साइज़ का सर्कमफेरेंस वाला मिल जाएगा। अगर आपको मोटे मोटे हेयर कर्लिंग वाले पसंद हैं तो आप ज़्यादा मोटे वाले सर्कमफेरेंस भी परचेस कर सकते हैं। मैंने पतले वाले लिए हैं ताकि मेरे कर्लिंग जो है वो पतला बने, मुझे पतले कर्लिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये सर्कमफेरेंस पतला वाला लिया है। तो ये है वेगा के हेयर कर्लर। अब मैं आपको इसको अपने बालों पर यूज़ करके दिखाऊंगी कैसे यूज़ करना है और कैसा ये वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सारे बालों पे कर्लिंग नहीं करूँगी, मैं बस अभी आपको थोड़ी सा डेमो करके दिखा रही हूँ। तो मैं लूँगी यहाँ का थोड़ा सा बाल इस तरीके से। आपको कर्लिंग करने से पहले बालों में अच्छे से कंघी कर लेनी है, आपको बालों को अच्छे से सुलझा लेना है ताकि कर्लिंग अच्छे से हो सके। तो ये रहे मेरे बाल, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इसमें लंबा वायर भी दिया हुआ है, आप आसानी से कहीं भी बोर्ड में लगा सकते हैं, काफ़ी लंबा वायर है, तो ये मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं ये मैंने बोर्ड में लगा दिया है प्लग।
और अब यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगी। ये देखिए, ये है लाइट इंडिकेटर, यानी कि ये अब ऑन हो गया है। अब ये हीट होना शुरू होगा एंड 20 सेकेंड में ये अच्छे से हीट हो जाएगा। तो ये हो चुका है हीट, हम सेफ्टी स्टैंड को हटा देंगे और अब मैं इसे अपने बालों में इस तरह से कर्लिंग करने वाली हूँ। आपको लेना अपने बाल को इस तरीके से एंड इसमें, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो थोड़ा लेना मुश्किल हो जाता है। एंड फिर इसको रोलिंग करते हुए अब इस कूल टिप को आप पकड़ सकते हैं और इसको अच्छे से कर्लिंग होने में 10 से 15 सेकेंड लगते हैं। ये देखिए, आपको 10 से 15 सेकेंड तक आपको इसको होल्ड करके रखना है अच्छे कर्लिंग के लिए। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं इसलिए मैं पूरा नहीं कर रही, मेरे हाफ़ बालों पे करके दिखा रही हूँ आपको बस। ये कुल टिप की वजह से ना ये होल्ड करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कर्लर को इस तरीके से। तो ये रही हेयर कर्लिंग, मैंने नीचे के बालों पे हेयर कर्लिंग की है और अच्छे से कर्ल कर दिया है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा और करके आपको दिखाती हूँ इधर साइड के बालों को। मैं बस अपने नीचे के बालों को कर्लिंग किया है। ये देखिए आप कर्लिंग, अगर आपके पास हेयर स्प्रे है, हेयर सेटिंग स्प्रे, तो उसका यूज़ करेंगे तो ये और अच्छे से यूज़ होगा और अच्छे से हेयर कर्लर बनेगा इसमें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेयर कर्लिंग अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को पूरा तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी और भी मदद करूँगी अलग तरीके से। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।